देखो, लास्ट क्लास में हमने किया था शीत युद्ध के बारे में, शीत युद्ध क्या होता है, शीत युद्ध और गर्म युद्ध में भी अंतर बताया था, वो समझ में आ गया था सबको। अब देखो, अब हम हमारा अगला टॉपिक क्या है, नाटो और वारसा पैक्ट। नाटो और वारसा पैक्ट क्या होता है, इसमें हम अंतर लेके समझेंगे। देखो क्या है, पहले अर्थ देखते हैं, कुछ समानता है इसके अंदर और कुछ थोड़ा बहुत अंतर भी, वो सारा बताऊँगा मैं। पहले अर्थ देखते हैं, नाटो क्या है, ये एक सैनिक संगठन है। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, नॉर्थ एटलांटिक संधि संगठन, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म होती है। इसका अर्थ देखो, ये एक क्या है, सैनिक संगठन है। इसकी स्थापना कब की गई, 1949 में अमेरिका के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। उस समय जब स्थापना की गई थी कितने सदस्य थे, 12 सदस्य थे उस समय जिस समय स्थापना की गई थी। और वर्तमान में कितने सदस्य हैं इसके, लगभग 29 सदस्य हैं, 30 सदस्य थे, एक सदस्य से रिमूव हो गया, ठीक है। तो 29 सदस्य हैं करंटली इसमें, और ज़्यादातर सदस्य यूरोपीय यूनियन के हैं, ठीक है। अगला देखो, उसके उद्देश्य क्या हैं, यानी नाटो जो बनाया गया क्यों बनाया गया, कुछ तो उद्देश्य होंगे। देखो, कोई भी चीज़ होती है उसके पीछे कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है, ऑब्जेक्टिव होता है। तो इसके क्या उद्देश्य थे, पहला उद्देश्य शांति स्थापित करना, इसलिए बनाया गया था, अगर सोवियत संघ ज़्यादा उग्र होता है, हमले करने के लिए तैयार रहता है, तो ये संगठन बनाया गया कि ये क्या करेगा, जवाबी कार्यवाही करेगा, ताकि सोवियत संघ डर कर रहे, शक्ति संतुलित रहे, इसलिए नाटो को बनाया गया। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। अगला पॉइंट देखते हैं क्या है, समाजवादी व्यवस्था के विस्तार को रोकना। अमेरिका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, इसको डर था कि समाजवाद बहुत तेज़ी से विस्तार हो रहा है और सभी देश अपनी अर्थव्यवस्था में समाजवाद को अपना लेंगे, इसलिए इस डर से भी इसने क्या किया, सैनिक संगठन बनाया। देखो क्या होता है, समाजवादी, पूंजीवादी और एक और होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था, तीन अर्थव्यवस्था होती है, हम करेंगे यहाँ पर लास्ट में। अगला पॉइंट देखते हैं क्यों बनाया गया, सुरक्षा छतरी प्रदान करना, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। सुरक्षा छतरी का मतलब क्या होता है, देखो पहले समझ लो बाद में नोट करना है। सुरक्षा छतरी का मतलब होता है, अगर कोई भी देश इन 12 देश के ऊपर हमला करेगा, तो ये 12 देश ऐसा मानेंगे कि हमारे ऊपर हमला किया है। किसी एक पर भी अगर हमला किया गया तो ये 12 के 12 उसके खिलाफ क्या करेंगे, बदले की कार्यवाही करेंगे। इसलिए ये जो संगठन था बहुत मजबूत हो गया, और इस डर से किसी भी देश ने, चाहे वो सोवियत संघ हो या कोई और देश हो, इस पे हमले करने की ज़रूरत नहीं करता। कोई दिक्कत किसी को, समझ में आ गया सुरक्षा छतरी मतलब, तुम्हें भी समझ में आ गया पीछे, ठीक है। अब देखते हैं क्या हुआ, देखो जब अमेरिका ने इतना पावरफुल संगठन बना लिया, फिर सोवियत संघ को डर लगने लगा, अगर मान लो इन 12 देश ने मेरे ऊपर हमला कर दिया तो मेरा तो अस्तित्व ही ख़त्म हो जाएगा। तो इस डर से क्या हुआ, सोवियत संघ ने भी एक सैनिक संगठन बनाया, लगभग छः साल के बाद संगठन बनाया। देखो ये भी क्या था, अमेरिका का देखा देखी एक सैनिक संगठन था, इसकी स्थापना 1955 में किसके द्वारा की गई, सोवियत संघ के द्वारा की गई, ठीक है। सोवियत संघ मैंने बताया था 1991 में विघटित हो गया था, जिसको वर्तमान में क्या बोलते हैं, रूस, और लगभग 15 हिस्सों में टूटकर अलग हो गया था, 14 देश अलग हो गए और 15वां देश रूस है, जो सबसे बड़ा देश है पूरे वर्ल्ड का, ठीक है। सदस्य कितने थे जिस समय इसकी स्थापना की गई, 15, लेकिन ये लंबे समय तक नहीं चल सका, क्योंकि अमेरिका बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा था, जिससे इसका जो प्रभाव था, इसकी शक्ति थी, धीरे धीरे क्या हो गई थी, कमज़ोर हो गई थी, और एक समय आया इसको क्या कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। आज भी वैसे कभी कभी बात की जाती है, अगर चाइना मान लेते हैं, चाइना अगर वारसा पैक्ट में आ जाए तो क्या होगा, क्योंकि चाइना इस समय बहुत तेज़ी से उभरती हुई शक्ति माना जा रहा है। अमेरिका को सबसे ज़्यादा टक्कर कौन देगा, ऐसा माना जाता है कि चाइना आने वाले समय में अमेरिका का विकल्प होगा। इसके भी उद्देश्य देख लेते हैं, अच्छा यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं किसी को, अब इसके उद्देश्य देख लेते हैं, उद्देश्य क्या थे। देखो बिल्कुल सेम उद्देश्य थे, इसका उद्देश्य क्या था, शांति स्थापित करना। तो इसका भी पहला उद्देश्य था कि विश्व में शांति स्थापित करना, क्योंकि बैक टू बैक दो वर्ल्ड वॉर हुए हैं, एक 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चला, फिर 1939 से 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध चला। पहले विश्व युद्ध के बारे में तुम्हें बताया था कौन जिम्मेदार था, पहले विश्व युद्ध में जर्मनी से बदला लेना चाहता था फ्रांस, क्योंकि 1871 में
फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी, जर्मनी ने फ्रांस के कुछ हिस्से पर कब्जा कर लिया था, तो उसका बदला लेना चाहता था फ्रांस, तो इसलिए उसने क्या किया, बस ताक में था। तत्कालिक कारण क्या हो गया, जो ऑस्ट्रिया हंगरी के वहाँ पर जो राजा था उसको मार दिया गया, तो उसका बदला लेने की वजह से उन्होंने एक बहाना दिखाया और क्या कर दिया, वर्ल्ड वॉर की घोषणा कर दी। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लिए कौन जिम्मेदार था, पूरी तरह से जर्मनी, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी की जो गुट था वो हार गया और वो अब बदला लेना चाहता था। जैसे ही सत्ता में हिटलर आया, जर्मनी का चांसलर हिटलर बना। चांसलर कौन होता है, जर्मनी में जिसके हाथ में पूरी पावर होती है, जो वास्तविक कार्यपालिका होता है, उसे क्या बोलते हैं, चांसलर। जैसे हमारे यहाँ पर कौन है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति नाम मात्र का होता है, ठीक है, यानी उसके नाम पर सारे काम प्रधानमंत्री करता है, तो इसी तरह से क्या होता है वहाँ पर, चांसलर करता है। तो सेकंड वर्ल्ड वॉर के लिए जिम्मेदार जर्मनी था, क्योंकि जर्मनी अपना जो असम्मान हुआ था, उसको जो चोट पहुँची थी, उसका बदला लेना चाहता था। लेकिन अंत में हुआ क्या, जर्मनी वाला जो गुट था, जिसको धुरी राष्ट्र बोलते हैं, एक्सिस पावर इंग्लिश में बोलते हैं, ये गुट क्या हो गया था, हार गया था। इस गुट में तीन देश थे, कौन कौन से, जर्मनी, इटली और जापान। जर्मनी, इटली और जापान, ये देश थे, ये हार गए थे, ठीक है। और जो मित्र राष्ट्र था, जो दूसरा गुट था जो जीता था, उसमें चार बड़े देश थे, कौन कौन से, अमेरिका, रूस, फ्रांस और ब्रिटेन, ठीक है। अमेरिका और रूस जैसे बड़े देश आने के कारण जो ये गुट था क्या हो गया, हार गया। अगला देखो, इसमें शांति स्थापित करना, जो ये वार्सा पैक्ट था, इसको इसलिए भी बनाया गया, पूंजीवादी व्यवस्था के विस्तार को रोकना, इसको डर था, जो अमेरिका का मॉडल है पूंजीवाद, जहाँ पर सब कुछ प्राइवेट होता है, वो क्या होए, तेज़ी से फैल ना जाए, पूरी अर्थव्यवस्था पूरे देश पर, पूरे विश्व में क्या हो जाएगा, पूंजीवादी व्यवस्था का बोलबाला हो जाएगा, जिससे अमेरिका बहुत पावरफुल बन जाएगा, ये भी डर सता रहा था सोवियत संघ को। लास्ट, सुरक्षा छतरी प्रदान करना, इसका भी उद्देश्य यही था, अगर एक देश, अगर कोई भी एक देश इन 15 देशों में से किसी के ऊपर भी हमला करता है, तो पूरे 15 देशों के ऊपर हमला माना जाएगा और ये 15 के 15 देश जवाबी कार्यवाही करेंगे। तो इन्होंने भी क्या करा, शक्ति को संतुलित करने के लिए वार्सा पैक्ट बनाया था। वार्सा नाम क्यों रखा, करंटली जो वार्सा है वो पोलैंड की राजधानी है, किसकी राजधानी है, पोलैंड। हॉलैंड का मतलब होता है नीदरलैंड, हॉलैंड पुराना नाम था, डच भी बोलते थे इसको, करंटली नीदरलैंड नाम है। इतना समझ में आ गया। अब जो मैंने कुछ जो यहाँ पर शब्दावली यूज़ करी थी, जैसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी, और एक और मैंने बताया था मिश्रित, ये क्या होता है, जो यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर देखो, उदारवादी, पूंजीवादी और मिश्रित। उदारवादी जो व्यवस्था होती है, उदारवादी व्यवस्था, एक मिनट, इसको हम समाजवादी करते हैं, उदारवादी और पूंजीवादी की होती है, समाजवादी, पहला है समाजवादी, पूंजीवादी और मिश्रित, क्योंकि उदारवादी को ही पूंजीवादी बोलते हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था सोवियत संघ में अपनाई जाती थी, वैसे 1991 के बाद यहाँ पर भी कुछ कुछ प्राइवेट कर दिया गया। समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है, देश के जितने भी सेक्टर होते हैं, यानी अर्थव्यवस्था पर किसका कब्जा होता है, पूरी तरह से राज्य का, यानी सरकार का, सभी को क्या होती है, काम के बदले सैलरी दे दी जाती है, पूरी अर्थव्यवस्था का ऊपर किसका कब्जा होता है, सरकार का। सिंपल भाषा में समझो तो एक तरह से सबकी सरकारी नौकरी होती है, मतलब गवर्नमेंट जॉब, कोई दिक्कत किसी को। अगला देख लो, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है, सरकार बस कानून बनाती है, कब्जा सरकार का नहीं होता, सारा कब्जा किसका होता है, वो मार्केट पर छोड़ देते हैं, यानी जिस डिमांड जितनी होगी, जिस चीज़ की, उत्पादन भी उतना ही होगा, समझ में आ रहा है। तो इसको बोलते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, यानी सब कुछ प्राइवेट कर दिया गया, कोई भी गवर्नमेंट नहीं है। वैसे इसमें भी थोड़ा थोड़ा लेकर आ रहे हैं वो, क्योंकि क्या हुआ था, कुछ संकट आ गए थे अमेरिका के ऊपर, जैसे 2008 का प्राइम संकट हो गया, और एक और संकट आया था 1929 में, जिससे सब अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था है ना पूंजीवादी, उससे दूर हटने लगे थे, ठीक है। तो इसके बारे में कभी और डिस्कस करेंगे अच्छे से। एक होता है हमारा मिश्रित अर्थव्यवस्था, यानी मिलीजुली, इसमें क्या होता है, कुछ हिस्सा हमारा समाजवाद का होता है और कुछ हिस्सा पूंजीवाद का होता है, यानी कुछ गवर्नमेंट जॉब होती है और कुछ प्राइवेट, सिंपल भाषा में इंडिया में, क्योंकि जब भारत आज़ाद हुआ इस पर बहुत बहस हुई थी और अंत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को
अपनाया गया। यहाँ पर किसी को कोई दिक्कत है, बताओ जल्दी फटाफट, इसमें किसी को कोई दिक्कत? ये पूरा समझ में आ गया। नाटो क्या था? नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तरी एटलांटिक संधि संगठन, हिंदी में इसकी परिभाषा है पूरी फुल फॉर्म है। इसका अर्थ क्या है? ये एक सैनिक संगठन है। स्थापना कब हुई? 1949 में। सदस्य देश कितने हैं? 12। आज कितने हो गए? 29। उद्देश्य क्या थे? शांति बनाना, समाजवादी व्यवस्था के विस्तार को रोकना और सुरक्षा छतरी प्रदान करना। अमेरिका में अभी भी समाजवादी है। कौन सा? समाजवादी वाला। अमेरिका में? अमेरिका में पूंजीवादी है, पूंजीवादी। लेकिन आज क्या हो गया? कोई भी देश पूरी तरह से ना तो पूंजीवादी है, ना ही पूरी तरह से समाजवादी। समझ में आ रहा है? इसके लिए कोई एक रीज़न था, मैं कभी और डिस्कस करूंगा अच्छे से इसमें, ठीक है? जब पढ़ेंगे हम पॉलिटिकल का पहला चैप्टर, दूसरी बुक। देखो इधर, देखो एक चीज़ और, वार्सा पैक्ट, ये क्या था? ये भी एक सैनिक संगठन था। स्थापना कब हुई? 1955 में। उद्देश्य क्या थे इसके? ठीक है, आप किसी कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करें।